दोस्तों मैं उदीपेश, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता मेट्रो में आई बहुत सारी वैकेंसी के बारे में। जी दोस्तों, ये वैकेंसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कितने पढ़े लिखे लोग भर सकते हैं, कितने उम्र के लोग भर सकते हैं, कब से कब तक भर सकते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कितना पेमेंट मिलने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आप इस वीडियो को हमारा कंप्लीट जरूर देखें। यदि आपको रेलवे से वैकेंसी से आपको इंटरेस्ट है, यदि रेलवे मेट्रो में आपको जॉब करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो खास होने वाला। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपके सामने एक नोटिफिकेशन का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर मेट्रो रेलवे मेट्रो रेल भवन 33/1, ये एड्रेस है कोलकाता का, जहाँ के मेट्रो का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ का एक नोटिफिकेशन है 22/1/2022 के डेट में निकाला गया ये नोटिफिकेशन है। आपका नोटिस नंबर इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है, आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्लोजिंग डेट वगैरह के बारे में आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मेन जो टॉपिक है, जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले या फिर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है क्लियर करती है, उसके बारे में हम आज शॉर्ट में बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग डेट के बारे में क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ एक अप्रेंटिस हैविंग मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10+2 सिस्टम, यानी कि आप 10th पास होनी चाहिए विथ ITI। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 10th पास प्लस ITI यदि आप हैं तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म को, नहीं तो ये फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं आप। यानी कि एनी हाउ यदि आप ITI वाले बच्चे हैं, किए हैं, कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो है, नहीं तो आपके लिए यह वीडियो ही नहीं है। यदि आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में कोई नहीं है इस तरह का, तो आप वीडियो मत देखिए ना, क्यों टाइम बर्बाद कर लेते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है इसमें, यदि आपको इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आपके कोई संबंधी या घर में कोई बच्चा है, तो आपके लिए यह वीडियो खास है, आप ज़रूर इसको देखें। हम लोग हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम लोग सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड है और कितने पद के लिए आए हैं, क्योंकि ट्रेड जानना बहुत जरूरी। यदि आप ITI किए भी हैं तो क्या आपका ट्रेड है, क्योंकि ITI में तो बहुत सारा ट्रेड होता है, कोई ज़रूरी कि सभी ट्रेड का इसमें आपको वैकेंसी होगा ही। हम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से ट्रेड, इधर सीरियल नंबर दिख रहा है, ये आपका ट्रेड है, जो जो ट्रेड का वैकेंसी है। ये आपका स्लॉट से यानी कि सीट है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर स्लॉट यानी सीट यहाँ पर दर्शाया गया है। हम स्पेशली करके बात कर लेते हैं। हम लोग नंबर 1 पे फीटर को रखा गया, देखिए यहाँ पर उसमें 64 पद है, 64 पद के लिए फीटर में वैकेंसी आनी है। जिस 64 पद में 27 आपको जनरल के लिए, SC के लिए 10 रखा गया, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 7 और हैंडीकैप के लिए आपको 2 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 रखा गया। कुल मिलाकर के 64 पद फीटर के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन की हम लोग बात कर लेते हैं तो 19 पद रखा गया, थोड़ा सा कम है, मैक्सिमम आपको 64 पद आपको फीटर में ही है, 19 पद आपको रखा गया है। आप कंप्लीट जो सीट है, जनरल के लिए 7 है, 3 आपको SC के लिए, 2 ST के लिए, 5 OBC की, 1 करके आपको फिजिकल और एक सर्विसमैन में दिया गया है। मशीनिस्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं, 7 सीट आपका दिया गया है कंप्लीट, 3 इसमें UR है, जनरल है, 1 आपको SC, 1 आपको ST, 2 OBC और 0-0 किया गया है फिजिकल हैंडीकैप और एक सर्विसमैन में। यदि वही बात करते हैं वेल्डर की, तो वेल्डर के लिए 7 पद है, 3 करके जनरल में, 1-1 करके आपको SC ST में, 2 OBC में रखा गया, 0 रखा गया हैंडीकैप में और एक सर्विसमैन में। प्लम्बर का पद जो है उसके लिए वैकेंसी 7 रखाई गई है, 3 जनरल के लिए, 1-1 करके आपको SC ST में, 2 करके OBC में दिया गया है। यदि हम लोग कुल की बात कर ले, कुल कितने पद है, तो 104 पद है कंप्लीट, जो भी इन सभी ट्रेड मिला करके 104 पद है, जिसमें जनरल को रखा गया है 43 पद के लिए, 16 पद के लिए SC, 10 के लिए ST, 28 पद पर OBC काम करेंगे और PH के लिए 3 और एक्स सर्विसमैन को 4 पद पर नौकरी मिलेगी। तो ये बात तो क्लियर कर दिए कि 10th+ आपका ITI होना चाहिए इन सब ट्रेड में। इन सब ट्रेड करने का मतलब फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, ये यदि 4-5 ट्रेड है तो आपके लिए यह वीडियो है, आपके लिए यह फॉर्म है, आप इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। यदि आप इनमें से नहीं है तो बेकार है, देखना छोड़िए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेते हैं इन सब के बारे में। क्या कहा है, If no suitable OBC candidate are available, C trade will be filled by unreserved candidates. यानी कि यदि suitable candidate नहीं मिलता OBC में, तो unreserved candidate के तौर पर उस post को भरा जाएगा, ये बात कही गई है। उसके अलावा और वो एक सर्विसमैन को जो एडवांटेज वगैरह है, छूट है, वो तो यहाँ पर है लिखा हुआ, इन चीज़ों को आप देख भी ले गए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं आपका, तो क्वालिफिकेशन आपका
मैट्रिकुलेशन होना है, स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख रहा है यहाँ पर, और वो भी 50% मार्क्स, 10th आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए इसमें कम से कम। यदि आपका 50% मार्क्स नहीं है 10th में, तो आप ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। 50% मार्क्स के अलावा आपको ITI होनी चाहिए, 10th पास प्लस आप ITI होना चाहिए जो भी ट्रेड के लिए आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ITI कोई और ट्रेड से है और इन्हीं सब में भर देते हैं, तो आपका कोई काम का नहीं है, पैसा बर्बाद होगा, कैफे वाले भैया कमा लेंगे। स्पष्ट रूप से क्या लिखा है नोट में, कैंडिडेट टू अदर ट्रेड्स नीड नोट अप्लाई। यदि इन सभी जो ट्रेड्स दिए गए इनके अलावा यदि कोई ट्रेड है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई मत करिए, आपके लिए कोई काम का चीज़ नहीं है, पैसा बर्बाद। चलिए एज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो एज 15 वर्ष और से लेकर के 24 वर्ष तक होना है, 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 वर्ष के। यदि आप 1/1/2022 को हुए हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। 1/1/2022 को यदि आप 15 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 24 वर्ष है, तो आप इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। वैसे ये 24 वर्ष जो है ये जनरल के भैया के लिए है। आपको देखिए SC/ST के लिए 5 साल का छूट यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और 3 साल का छूट आपको OBC के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और 10 साल और 13 साल का छूट जो है इन भाई बंधु के लिए है जो कि विकलांग वगैरह है। तो हम लोग बात करते एज की फिर से, तो 24 साल तो जनरल के लिए है, OBC के लिए 24 और प्लस 3 27 साल हो जाएगा, और 24 और प्लस 5 SC/ST के लिए 29 साल हो जाएगा। तो एज भी अच्छा खासा दिया है इन्होंने, इन सब यदि एज से आप अंदर हैं तो आप भर सकते हैं, यदि इससे ऊपर चल गए अंकल जी बन गए तो आप नहीं भर सकते हैं। आगे ट्रेनिंग पीरियड लिखा है क्या, तो वो जो कलकत्ता जो मेट्रो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको वहाँ मालूम हो जाएगा। उसके बाद स्टाइपेंड जो सैलरी वगैरह है मिलना है वो आपको क्या है, तो वो भी जो रूल है स्टाइपेंड का, उस रूल के हिसाब से आपको एक्सटेंट रूल के हिसाब से आपको मिलने वाला। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई के बारे में जान सकते हैं, इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है यदि आपको इंटरेस्ट है, तो इसके एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 8 नंबर में, बिफोर अप्लाई कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर देयर नेम इन अप्रेंटिसशिप, यानी कि अप्रेंटिसशिप पे आपका apprenticeshipindia.org ये एक वेबसाइट, यदि आप ITI किए हैं तो आप अफोर्स है कि उस पर आप रजिस्टर्ड होंगे, यदि आप नहीं होंगे तो कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप पे जाकर के आप रजिस्टर्ड कर जाइए। आपको ITI या फिर पढ़े लिखे जितने हैं उसके डिटेल्स आपको लगते हैं वहाँ पर, वेरिफिकेशन आधार से आप करवा लेते हैं और उसके बाद आप इस फॉर्म को तब भर पाएंगे। यदि आप अप्रेंटिसशिप पे आप रजिस्टर्ड नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। वैसे हम लोग और भी जान लेते हैं कि ये फॉर्म का मोड कैसा है, तो भैया ये फॉर्म का मोड है ऑफलाइन, ये फॉर्म बिल्कुल ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑनलाइन ये नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। इसके जो फॉर्म है आपको इसी PDF के नीचे मिलने वाला, आपको उसके बारे में भी हम दिखाएंगे, और आपको उसको भेजना कहाँ है उन चीज़ों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में ही बात कर लेते हैं। कि देखिए इसी वीडियो में आपको यहीं पे हम अभी बता देते हैं कि देखिए आपको इसका A4 पेपर साइज में प्रिंट कर लेना है, और जो है कैंडिडेट हिमसेल्फ इन हर ऑन हैंड राइटिंग में बॉल पेन से इसको भरना है, यानी कंप्लीट अपना हैंड राइटिंग में कह रहा है इनको भरिए। और एड्रेस टू देखिए यहाँ पर, एड्रेस यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है लिखना और ख़त्म कहाँ किया है, तो इस पेज में आप आ जाइए, यहाँ पर इन्होंने ख़त्म किया है, देखिए ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर है, इतना एड्रेस इन्होंने दिया है, उस जगह पे आपको भेज देना है। ये एड्रेस आप एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, ये एड्रेस है, देखिए यहाँ से एड्रेस लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आपका एड्रेस पार्ट है, इतना आपको लिखना है और आपको भेज देना है। उसके बारे में और भी आगे क्या कहा गया है, क्या सब लगना भी इनके साथ में है वो भी हम आपको बताएंगे। टू सेल्फ एड्रेस इनवेलप लगाना है, 11x5 इंच का लगना है आपको, ₹5 का जो है आपको उस पर स्टाम्प आपका होना चाहिए, और 2 इनवेलप आपका होना चाहिए। उसके अलावा ₹100 का आपको जो है DD है, क्रॉस पोस्टल ऑर्डर आपको दिया गया देना है, उसमें ₹100 का पोस्टल ऑर्डर आपको देना है। कह सकते हैं कि फॉर्म का अप्लीकेशन फ़ी है ये समझ लीजिए, यदि आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको ये फ़ी ₹100 वाला नहीं लगना है, यदि आप OBC जनरल हैं
है तो ही आपको लगेगा एससी एसटी के लिए यह छूट की बात कही गई है। लड़की भी है, विकलांग भी है तो भी आपको छूट मिलेगा। जनरल और ओबीसी के जो मेल पर्सन है सिर्फ उसको जो है पैसा लगने वाला है, सारा पैसा तो उसी लोग के पास है, वो लोग को लगेगा पैसा और सबको छूट दिया गया है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके आगे और भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए और जो है टू रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेना है, टू रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको जो करंट में जो वर्तमान समय में आप खिंचवाए, ऐसा नहीं कि साल दो साल पहले खींचा हुआ है तो डाल दो ना फोटो, कौन काम घर में होगा, वैसा नहीं, आप नया फ़ोटो खिंचवा करके दीजिए, करंट आपका चेहरा से मैच होना चाहिए। सर्टिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं तो जो भी आप यदि ओबीसी से आते हैं तो क्रिमिनल लेयर वगैरह का सर्टिफिकेट, यदि एससी एसटी से आते हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट आप इसमें मेंशन करना होगा, यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना होगा। लास्ट डेट अप्लीकेशन की जो बात कर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ लास्ट डेट अप्लीकेशन रिसिप्ट अप्लीकेशन 21/2/2022 तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए एड्रेस पे। ये एड्रेस इन्होंने फिर से वेरीफाई करा दिए, यहाँ पर देखिए इस एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ से आप एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, इस एड्रेस को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको बाद में काम आएगा। और कंप्लीट फॉर्म खुद से भरें और कैपिटल लेटर में सब आप भरें तभी उसको आप भेजें इस पर। उसके अलावा लगना क्या सब पेपर है वो भी आपको हम बताएंगे क्या सब लगना है। सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं कि क्या सब लगना है पेपर में, आपको भेजना क्या सब है। आपको भेजना है 10th का पेपर, आईटीआई का मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, पोस्टल ऑर्डर और दो फोटो आपको भेजना है, इतना पेपर के साथ। और इस फॉर्म जो ये फॉर्म है आपको, फॉर्म के बारे में हम दिखाते हैं, वो भी आपको भेजना है। और आगे बढ़ लेते, पहले सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन भी समझ लेते, ये बड़ी चीज़ है, आप इतना जान लिए और कैसे सिलेक्शन होगा वही नहीं बताएंगे तो अधूरा रह जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको 10th का जो मार्क्स है 50% मार्क्स प्लस आईटीआई का मार्क्स, दोनों का जो यहाँ पर एवरेज किया जाएगा और एवरेज जो भी आएगा उसका 1.25 टाइम आपको रिजल्ट देने वाला। यदि सपोज दैट एग्जामिनेशन के लिए कि 400 पद है तो आपको 500 लोगों का कॉल होगा बस, यानी कि 1.25 जो है मल्टीप्लिकेशन में आपको इसका देने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं तो देखिए ये फॉर्म है आपको कलकत्ता जो है मेट्रो रेलवे कलकत्ता का, ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे आपको कंप्लीट जो भी डिटेल्स है इसको डालना है, भरना है, बहुत बड़ा फॉर्म तो है नहीं, आपको बहुत कुछ इसमें लिखना है नहीं, इजीली आप कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ऊपर में आप देखिए ये सीरियल नंबर रोल नंबर है, ये आपके लिखने की चीज़ नहीं है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको छूना नहीं है। यहाँ पर कैटेगरी आप चुन लेंगे, जो कैटेगरी आप है, ट्रेड आप कौन सा है यहाँ पर लिखेंगे आप, एड्रेस यहाँ पर स्पेशली लिखा ही गया है। उसके अलावा जो इनक्लोजर में टोटल नंबर कितना पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए मैट्रिक का 1, कास्ट 2, फोटो 3 या जो भी पेपर लगा रहे हैं 3 या 4 5 जो लगा रहे हैं यहाँ पर आप लिख देंगे उन चीज़ों, कितना पेपर आप लगा रहे हैं, यहाँ फ़ोटो आप चिपकाएंगे। इसके अलावा जो आपको डिटेल्स लिखनी है यहाँ पर कैपिटल लेटर में, यहाँ पर आप लिखना है आपका नाम या फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है आपको, इसमें डेट लिखिए 2 अक्षर में, मंथ लिखिए 2 अक्षर में और 4 अक्षर में आपको ईयर लिखना है, आपको 4 अक्षर करने का मतलब 2002, ठीक है, ऐसे करके आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, एज आपका कितना हुआ, कितना साल, कितना मंथ, कितना दिन हुआ है वो आप कैलकुलेट करके उस डेट में आप लिखिए। उसके अलावा यहाँ पर एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा पिन कोड सहित, देखिए यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट में है और आपका परमानेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दो तरह का एड्रेस आपको देना है, सेक्स मेल फीमेल क्या है वो आप दीजिए, नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है कि इंडिया से बाहर के लोग कहाँ के लोग हैं वो लिखिए, रिलीजन कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिखिए, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो कितना परसेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा स्टेट के आप लोग हैं, झारखंड के, यूपी के, बिहार के, असम के, जो भी जहाँ के हैं वो आप लिखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका कब पास किए हैं वो लिखिए, कौन सा बोर्ड से पास किए, फुल मार्क्स कितना, ऑब्टेन मार्क्स कितना है, कितना परसेंटेज हो गया ये भी आप निकाल के दे ही दीजिए, बोर्ड को निकालने का टाइम नहीं है। उसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी आप लोग सेम चीज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर नेम ऑफ ट्रेड का नाम लिखिएगा, एनसीबीटी के एससीटी जो भी है बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखेंगे, फुल मार्क्स कितना, ऑब्टेन मार्क्स कितना है और कौन
कौन साल पास किए हैं वो यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है। पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ पे कर लेते हैं, दो पहचान चिन्ह आपको यहाँ पर लिखना है, कट तिल घाघ हौस कुछ भी जो भी है लिखिए यहाँ पर। पोस्टल ऑर्डर के यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखना है, जो भी आप पेमेंट करेंगे बोर्ड को पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेज रहे हैं साथ में वो वहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा और भी जो भी कुछ भी चीज़ आपको लिखना है तो लिखिए। उसके अलावा आपको लेफ्ट या एलटी है, एलटीआई मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर देना है, कैंडिडेट का विद्यार्थी का देना है, वहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर होगा। और प्लेस लिखिए आपका, जो भी जगह से आप हैं वहाँ लिखिए, और डेट आप जब ड्रॉप कर रहे हैं उस चीज़ों को आप लिखिए। ये सब नीचे देखिए फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा, वो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहीं तक का फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके अलावा ये एडमिट कार्ड का फॉर्म है, आपको एडमिट कार्ड जो भेजेगी बोर्ड वो खुद नहीं भरेगी, वो आपको ही भरना होगा। यहाँ पर साइन यहाँ फ़ोटो चिपकाइए, रोल नंबर बोर्ड लिख देगी आपका सिर्फ हाथ से, यहाँ पर नाम आपका ब्लॉक लेटर में फादर्स का नाम या फिर आपका फुल एड्रेस वगैरह आप कंप्लीट ये चीज़ को भी भर के भेजना होगा। रोल नंबर वगैरह आपको बोर्ड यहाँ पे लिखेगी अपना डिटेल से मेंशन कर करके, उसके बाद डेट वो कब आपका क्या होने वाला है डेट भी उन्होंने वहाँ पर लिखेगी। और इसके अलावा आपको कुछ लिखना नहीं है, ये सब आपका वेवर ऑफ फी जो डिक्लेरेशन है कि आप यदि माइनॉरिटी है या एससी एसटी फीमेल या डीक्यू है तो उसके लिए ये फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। इसी हिसाब से आपको फ़ी में छूट मिलने वाला, नहीं तो 100 रुपया तो आपसे टाल लेने वाला ही बोर्ड। इसके अलावा और भी जो इकोनॉमिक वीकर सिस्टम ईडब्ल्यूएस है, इसके लिए क्या कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए ये फुलफिल यदि आप करते हैं तो ईडब्ल्यूएस है, नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस कौन काम का। उसके अलावा फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट में ये सब चीज़ होना चाहिए कंप्लीट, आप देख लीजिए ये चीज़ ऐसे करके आपका होना चाहिए तब आपको छूट उसका मिलने वाला है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं नीचे देखने वाला जो कि शायद आपके जानने की चीज़ नहीं है, गोली मारिए। 12 पेज का ये नोटिफिकेशन है, 12 पेज के बारे में क्या सब है कैसे हैं हमने कंप्लीट जिक्र करी है इन चीज़ों को। एक बार फिर से आपको बता दें, आप 10th पास और ITI पास यदि हैं, 10th+ ITI, तो आप इस चीज़ों को भर पाएंगे। फॉर्म आपका कैसा होने वाला, तो फॉर्म आपका ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा, डाक से गिराना होगा इन चीज़ों को। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपया के साथ में जो भी पेपर्स मैंने बताया उस पेपर्स के साथ में आपको भेजना है, डेट भी कम है। तो आप जल्दी जल्दी यदि आपको इससे इंटरेस्ट है तो आप जाइए फटाफट इन चीज़ों को भर करके डाक में ड्रॉप कराइए। दोस्तों यदि आपको इस तरह के और भी वैकेंसी से जानकारी आपको चाहिए होता है अप्रेंटिस या ITI संबंधी जॉब या कुछ और के, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल बेल को आप दबा लीजिए और दोस्तों के साथ भी उनको ज़रूर शेयर करें ताकि हमको प्रमोशन मिल जाता है, हम अपने यदि कुछ भी सुधार करने के लिए चाहते हैं तो वो सुधार कर पाते हैं। यदि आपको ये वीडियो में कहीं ना कहीं कमी बुझाती है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर यह समस्या है, मुझे समझ नहीं आया, या फिर आपका साउंड क्लियर नहीं है, या फिर आपका बोलने का तरीका अलग है, या फिर आपने नहीं बताया, तो मैं उन चीजों पर सुधार करने के लिए काम जरूर करूंगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।